वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टाटा सियेरा फेसलिफ्ट के बारे में। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो। चलते भाई इस गाड़ी की तरफ। तो भाई ये जो गाड़ी है कंफर्म हो चुकी है टाटा की तरफ से, 2025 में मतलब आपको इस गाड़ी की डिलीवरीज मिलना चालू हो जाएगी। और दोस्तों ये जो गाड़ी है आपको दो ऑप्शंस में देखने को मिलेगी, बैटरी और आईसी इंजन के फॉर्मेट में। आईसी इंजन की बात करें तो आपको पेट्रोल और डीजल दोनों देखने को मिलेगा इस गाड़ी में, जो कि काफी अच्छी चीज है टाटा की तरफ से। काफी अच्छी वाइड रेंज आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। डीजल की बात करें तो डीजल और पेट्रोल दोनों देखने को मिलने वाला है आपको इस गाड़ी में। ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन आपको इस गाड़ी में आने वाले हैं। जो गाड़ी है आपको पुरानी गाड़ियां जो टाटा की आती थी, जैसे टाटा सफारी डाइको और टाटा सफारी स्टॉर्म, उनको रिटेन करती हुई आपको नजर आएगी। गाड़ी के लुक की बात करें दोस्तों तो गाड़ी का लुक काफी अच्छा दिया गया है आपको। फ्रंट में आपको जो है पूरी एक LED स्ट्रिप देखने को मिलेगी, जो कि पूरी कंटिन्यू होती है। और ये जो स्ट्रिप की वजह से गाड़ी का लुक आया है ना फ्रंट से, काफी चौड़ी लगती है एक स्ट्रिप की वजह से। रियर की बात करें तो भाई रियर में आपको जो है डिस्कवरी स्पोर्ट टाइप की लुक आपको देखने को मिलेगी। वहां पे भी आपको जो है H2H LED देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से गाड़ी का लुक काफी अच्छा इनहेंस हो चुका है। राइट प्रोफाइल की बात करें तो भाई आपको जो है ये गाड़ी मिनी डिफेंडर लगेगी, और भाई सही में लग रही है, देखने में गाड़ी का लुक काफी अच्छा है। एक जो मेन USP रहने वाली ना इस गाड़ी की, वो इसका लुक ही है। टाटा ने भाई कंफर्म कर दिया है, तो मतलब ये गाड़ी अपन को देखने को मिलेगी। नीचे आप देखें तो भाई टायर्स आपको 20 इंच के हाल फिलहाल शो किए गए हैं, 17 या 18 इंच के ऑप्शंस आपको अलॉय में दिए जाएंगे इंडियन कंडीशन के हिसाब से। अब आ जाते हैं दोस्तों इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात करें दोस्तों तो भाई इस गाड़ी का इंटीरियर काफी अच्छा दिया गया है। भाई आपको मर्सिडीज स्टाइल का आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो नॉर्मल टाटा में आता है वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, ये वाला स्टीयरिंग व्हील आपको नहीं मिलने वाला है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ऐसे आपको फीचर्स इंफोटेनमेंट डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। कनेक्टेड कार टेक आपको इसमें देखने को मिलेगा। बात करें अपन इस गाड़ी के बारे में तो आपको सेफ्टी में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलेगा टाटा की तरफ से। आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, 4 ESP मोड्स आपको टाटा की तरफ से देखने को मिलेंगे, और जो आपको चाइल्ड सीट माउंट्स वगैरह वो भी आपको टाटा की तरफ से देखने को मिलेंगे। तो भाई सेफ्टी में टाटा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, बाकी कोई सा भी ब्रांड कर सकता है, टाटा एंड महिंद्रा सेफ्टी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो भाई ये ब्रांड इंडियन ब्रांड है, तो इंडिया के लोगों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और बात करें इस गाड़ी के बारे में तो भाई ये जो गाड़ी है काफी जल्द अच्छे से आपको टेस्टिंग होते हुए भी देखने को मिलने वाली है इंडियन रोड्स पे। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतनी था, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते अगली वीडियो में, टिल देन।